मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वादे करके अपनी जादूगरी दिखा देते हैं। उनके वादों में शुमार जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान भी है। वादे कितने ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार चरम पर है और रिश्वत का खुला खेल चल रहा है। गहलोत भले चुनावी मैदान में अपनी सात बड़ी योजनाओं के दम पर दोबारा सत्ता प्राप्ति के सपने देख रहे हों, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम ने उनके सपने पूरे होने में बड़ा रोड़ा लटकाया है। विभागों में चपरासी से लेके बाबू तक रिश्वत का खेल चलता है। पट्टे की बनाने की एवज में रिश्वत, यहाँ तक कि इनकी फिक्स रेट भी है। बीजेपी सचिवालय के पास योजना भवन के बेसमेंट में रखी अलमारी से 1,31,00,000 का कैश और गोल्ड के मामले में बीजेपी अब गहलोत सरकार पर हमलावर हो गई है। वहीं मंत्री महेश जोशी PHED और PCC चीफ पेपर लीक घोटाले में ED के रडार पर है। राजस्थान में भ्रष्टाचार पर भले CM गहलोत जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हों, लेकिन उनके सबसे करीबी रहे वरिष्ठ IPS ऑफिसर BL सोनी ने एक बयान देकर सिस्टम की पोल खोल दी है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पद से रिटायर्ड DG BL सोनी ने मीडिया में एक बयान देकर भूचाल ला दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन ये बात झूठी है। गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने साल 2022 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 511 मामले दर्ज किए। ACB ने पिछले तीन साल यानी 2020, 2021 और 2022 में कुल मिलाकर 1350 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि ACB ने पिछले तीन साल में 1350 से अधिक मामले और अकेले 2022 में 511 मामले दर्ज किए। अब देखना यह है कि गहलोत खुद की सरकार को पारदर्शी और जीरो टॉलरेंस सरकार साबित कर पाएंगे या जनता चुनाव में सरकार को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी।